नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे होंगे। जीआईसी सेंटर की तरफ आप बढ़ रहे होंगे या फिर वहां पहुंच चुके होंगे, या रात में आपकी ट्रेन होगी या पहुंचने की कोशिश में लगे होंगे। कैसे जाना है ये तो डिसाइड हो ही गया होगा। 19 सितंबर को आपकी परीक्षा, मौसम भी सब सही हो गया है, परीक्षा बिल्कुल सही से आप दे पाएंगे। बस एक चैलेंज है कि सेंटर दूर गया है, और वो चैलेंज आप लोग निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करके पूरा करते हैं वही लोग अच्छा करते हैं, वही लोग वाकई में इतिहास रच पाते हैं। ये पेपर कैसे आपको देना है, 2 मिनट आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं इसमें लेके क्या जाना है, तो लेके आपको 2 फोटो जाना है। कोशिश कीजिएगा कि जो फोटो आपके पास उसमें लगी है उससे मिलती जुलती वो फोटो हो तो ठीक है, नहीं होगी तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप रख लीजिएगा, आपके पास होगी कहीं ना कहीं पड़ी, नहीं तो आप निकलवा लीजिए, 5 मिनट का काम है। और साथ में आपको लेके जाना है 1 ID प्रूफ, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का इशू कोई भी ID कार्ड या फिर आधार, इनमें से कोई एक आपको लेके जाना है, और ये अपनी पर्स में रखिए आप। साथ में इसकी एक मूल प्रति जो आपके पास है ही है, इसकी एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा, छाया प्रति भी, है ना। अगर मांगा जाएगा तो उसको देना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको देना ही है। इसके बाद में आपको कहा गया है इसमें कि आप एक जो पैड है उसको ले जा सकते हैं, हार्ड बोर्ड या कार्डबोर्ड जिसको कहते हैं उसको ले जाइए, मन हो आपका ले जाइए, लेकिन उस पर ध्यान रखिएगा कुछ लिखा ना हो। लिखा ना होने का मतलब यह है कि कहीं आपने कोई नकल की सामग्री तो उसमें नहीं, अवांछित सामग्री तो नहीं कर ली है, नोट कर ली है इसलिए ऐसा लिखा है। बस इतनी तैयारियों के साथ आपको जाना है। अब आगे का गेम शुरू होता है कि पेपर करना क्या है, कटाप कितना जाएगा, ये सब डर सताते हैं। क्या पेपर अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा डर। 40 क्वेश्चन जीएस के, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया था फॉर्म उसके होंगे। किसी ने हिस्ट्री से किया है, किसी ने केमिस्ट्री से किया है, किसी ने मैथ से किया है, तो किसी ने फिजिक्स से किया है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं सबके। लेकिन जो 40 क्वेश्चन ये जीएस के हैं ये कॉमन क्वेश्चन होंगे, और ये 40 जो कॉमन क्वेश्चन हैं इसमें बहुत सारी तैयारी आप लोगों ने की है। जो हमसे जुड़े स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चले इस बीच में, खास करके जीएस और करंट के लिए, तो उनको फॉलो किया, टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 40 क्वेश्चन है, इन 40 क्वेश्चन में अगर आपने पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है 25-30 तक टच कर लिया, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे पहले मैंने तो बताया था कि नहीं 30 से ऊपर करिए, अगर मैं पहले ही कह देता कि 15 करना है तो आप क्या करते, तो आप तैयारी करना ही छोड़ देते। आज मैं बता रहा हूँ कि इसमें 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बीच में आपका स्कोर रहेगा तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऐसे ही पिछले दिनों में होता आया है, किसी का जीएस बहुत अच्छा है तो वो ज़्यादा कर सकता है। आप भी कोशिश करेंगे कि 40 में आप 37-38 क्वेश्चन सही करें। नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा संभल के प्ले करना होगा, थोड़ा संभल के गोला बनाना होगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं उनको छोड़ देना होगा, लेकिन जो क्वेश्चन 50-50 आते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में उनको करना होगा। और 80 क्वेश्चन का आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें आपको लीड लेनी होगी काफ़ी अच्छी। उसमें लीड का मतलब यह है कि 80 में आपको कम से कम 55-60 सवाल सही सही करके आने होंगे, और दोनों जोड़ के, अब कटाप की अगर हम बात करें तो UPPCS में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, RO UPPCS का जो अपर सबॉर्डिनेट का एग्ज़ाम है, PCS जिसको आप बोलते हैं, इन सब में जो कटाप जाता है वो कितना जाता है, लगभग 65% के आसपास जाता है, 65% से 66-67% के आसपास जाता है। PCS में 90 से 97-98 के बीच में। ऐसे RO में जो कटाप लास्ट ईयर्स में गए तो 200 क्वेश्चंस में वो कटाप लगभग 130-132 के आसपास रहे। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद में जो भी कैटेगरी है आप उसके हिसाब से उसको कम कर लीजिएगा, वो आप इतना कर सकते हैं। लड़कियों का कैसे किया जाएगा ये सब भी थोड़ा सा अंतर आता है, ज़्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन SC जो बंधु हैं उनमें, और जो दिव्यांग बंधु हैं उनमें अंतर जाता है। यहाँ जनरल बात हो रही है, और जो आप करने जा रहे हैं एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप अपनी कटाप को आप लेके ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कटाप जितना जाना है उतना ही करके बिल्कुल आ जाएंगे, थोड़ा सा तो सेफ साइड लेके चलना ही पड़ेगा। तो 65-67% के लिए मैं मान रहा हूँ कि आप 70% टारगेट रख लीजिए, कि 70% आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काट के करके आना है। 12 का 70% हुआ, 12 सत्ते 84,
है ना, लेकिन 70% ये ज़्यादा है। इसमें से 5% आप घटा सकते हैं, 5% आप घटाएंगे तो 6 क्वेश्चन आप घटा सकते हैं, तो 78 आ गया। यानी कि 80 के आसपास जीएस और ऑप्शनल में जोड़ के जिनका हो जाएगा, 55 से 60 आपके ऑप्शनल यानी कि सब्जेक्ट में, और 25 से 30 के बीच में आपका जीएस, 25 के अराउंड में जीएस, तो आप लगभग 85-80 के बीच में पहुंच जाएंगे, 80-85 के बीच में। और ये एक आदर्श स्थिति होगी जहां पर आप ये मान के चलेंगे कि आपको अगला पड़ाव मिलेगा, यानी कि मेंस एग्जाम देने को मिलेगा, इसमें मेंस एग्जाम होने वाला है। क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहला काम ये करना है कि पहले राउंड का मतलब ये होता है कि जब आपको पेपर मिले और आप स्टार्ट करें, विद इन मिनट आप स्टार्ट कर देते हैं पेपर, तो पहले राउंड में जो क्वेश्चन आपको आते चले जा रहे हैं उनको बिल्कुल बढ़िया से करके उसका गोला बना दीजिए। गोला बनाने की दो लोगों की अलग अलग विधि हो सकती है, तीसरे की अलग हो सकती है। उसमें यह होती है कि कोई कोई क्या करता है, पूरा प्रश्न पत्र देख डालता है उसके बाद में गोला बनाना स्टार्ट करता है, कोई क्या करता है कि एक पेज कंप्लीट किया प्रश्न पत्र में और फिर उसका गोला बना दिया, यानी कि ओएमआर को फिलअप करने में, गोला बनाना कह रहा हूँ कि इसको सबको समझ में आ जाए, ओएमआर में जो आप बबल्स बनाते हैं, बबल्स को फिल करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो आपने उसको कलर कर दिया, अब इसमें आपको जो अच्छा लगे आप, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लास्ट के लिए पूरा मत रखिए। पहला राउंड जब आप कंप्लीट करिए तो पहले राउंड के बबल्स आप फिल कर लीजिए, उनको गोल कर दीजिए, उतना पुख्ता हो जाए कि आपने अपने ओएमआर सीट पे उसको कर दिया। हर एग्जाम के लिए ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। अब मान लीजिए कि आपको पहले राउंड में जीएस का 40 क्वेश्चन का पोर्शन था, उसमें 20 सवाल आ रहे थे, आपने उसको सही सही कर दिया, 20 अभी बचे हैं। आपने ऑप्शनल में यही देखा, ऑप्शनल में आपको 80 सवालों में से 35-40 सवाल बिल्कुल सही सही आ रहे थे, बाकी बच गए। दूसरा राउंड, ये पहला राउंड हर हाल में 1 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही सवाल करने हैं जो आपको आ रहे हैं। फालतू की कोई इसमें माथापच्ची नहीं करनी है कि बिल्कुल सोच रहे हैं आप कि बिल्कुल हल करके रहेंगे, इससे क्या होता है प्रेशर क्रिएट होता है, तो अगला जो क्वेश्चंस आप जानते थे जिसको करने जा रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले राउंड में बिल्कुल इजी गोइंग, और इतना आपको आएगा, जिन्होंने महीने दो महीने की पढ़ाई कर ली है, 20-25 दिन इधर ध्यान दे लिया है, 2 हफ्ते कस के उसी पर कंसंट्रेट किया है, बेसिक्स जिनका ठीक ठाक है उनको इतना आएगा। अगला राउंड जब आप ओपन करेंगे अपना बुकलेट फिर से शुरू से, और अब आप पलटते जा रहे हैं पन्ना, तो उसमें अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है जिसमें 2 ऑप्शन तो आप निकाल दे रहे हैं एलिमिनेशन करके, ABCD में से ए और सी तो निकल गया, अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि बी और डी में से कोई हो सकता है, ए और बी में से कोई हो सकता है, कहीं पे डी और सी में से कोई हो सकता है, 2 तो आप एलिमिनेट करके निकाल दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क ले लेना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ मतलब भर की होती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको गोला आप बनाएं, लेकिन जो 50% वाले 50-50 वाले मामले हैं उन पर रिस्क ले लेना है, उनको आप कर दीजिए। अब अगर आपके पास तीसरे राउंड का समय बचता है, भाई दिवे नॉर्मली किसी के पास बचता नहीं, अगर बचता है तीसरा राउंड, में बोलता इसलिए हूँ क्योंकि 5-10 मिनट बच जाता है, तो उस तीसरे राउंड में आपको क्या करना है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने पहले सोचा हो कर रहे हो लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा, तो उनको पलट के फिर से देखना है, कभी कभी आंसर याद आ जाता है, खास करके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस में कभी कभी वो ट्रिक याद आ जाती है, तो उनको, और मैथ रीजनिंग जिनकी अच्छी है, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन नॉर्मली मिलने चाहिए, तो उसमें से 2-3 तो सब लोग कर लेंगे, 1-2 का मामला फंसेगा जो थोड़े से हो सकते हैं, कभी कभी ना हो, नहीं तो नॉर्मली मैथ रीजनिंग इनकी ठीक रहती है यूपी कमीशन की, तो उनको आप समय इतना मत दे दीजिएगा कि उसके और जीएस के जीके के क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, उनको छोड़ दीजिए, कहिए मस्त रहिए भैया आप बैठिए, मैं तो अन्य क्वेश्चंस को करके नंबर पा लूँगा, आपको इतना समय नहीं दूंगा। तीसरे राउंड में अगर समय मिल रहा है तो उन क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा समय 5-10 मिनट में पलट लीजिए, 120 क्वेश्चन बहुत नहीं होते हैं, क्योंकि जब 2 राउंड आप पेपर देख चुके होंगे तो तीसरे राउंड में सब क्वेश्चन आपसे परिचित रहेंगे, जैसे आप पलटेंगे तो निकल कहेंगे हाँ हम भी हैं, हमको भी थोड़ा सा देखो, मेरा आंसर निकालो, तो उस लिहाज से उनको भी आप देखेंगे, तो हो सकता है उनका आंसर आ जाए, तो आप उनको भी कर दीजिएगा। 2 राउंड ये आपके ऐसे राउंड होंगे जिनमें आप सेलेक्शन पाएंगे, तीसरा राउंड तो बस ये है कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, या बॉर्डर लाइन पे कभी कभी चीज़ें रह जाती हैं तो 2-4 क्वेश्चन और हमारे बढ़ जाते हैं,
लेकिन पहला राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बिना प्रेशर के कंप्लीट पेपर को एक बार देख डालेंगे, गोला बनाते चले जाएंगे। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन फंसे हैं, हो सकता है एक ही ऑप्शन आपको उसमें लग रहा है सही लेकिन थोड़ा सा डाउट था तो आपने छोड़ दिया था, तो उसको कर लिया, और जितने 50-50 वाले हैं वो कर लिया। तो दूसरे राउंड में, पहले में आपने जीएस में 20 के लगभग किया था, 16-17 किया था, 15 किया था, जो भी किया था, तो दूसरे राउंड में वो 25 से ऊपर पहुंच जाएगा। पहले राउंड में वहां पर आपने सब्जेक्ट में 40 किया था, 35 किया था, तो दूसरे राउंड में वो 55-60 पहुंच जाएगा। यहां से आप इन हो गए। कट ऑफ की बात पहले में सब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के इसलिए करता था कि आप लोग मेहनत करें। यहां पर 80 के आसपास आप पहुंचेंगे तो सेफ पोजीशन में हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा किस में कितनी सीट्स हैं, क्या है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेने से कुछ नहीं, एक तो ये जनरल वो हो गया। अब कितने क्वेश्चन करके आए, अब अगर आपको 85 के लगभग टारगेट लेके चल रहे हैं, 80 से 85 के बीच में आपको सही करना है, तो इस सही करने के पीछे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन रिस्क लेके थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 55-60 उसमें कराए, 20-25 इसमें कराए, बस आपने कहा मेरा 85 हो गया। जितने आप करके आएंगे सभी 100% कभी सही नहीं होते। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप लगभग पेपर का 120 में से 105 अटेम्प्ट करके आएंगे, 100 से ऊपर अटेम्प्ट करके आएंगे, 95-97-98 तो नॉर्मली सब लोग करेंगे। अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है कि हमारा कम हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है एक क्वेश्चन सही 3 क्वेश्चन गलत बराबर 0 मार्क्स। बात समझ में आ रही है, एक क्वेश्चन आपका सही हुआ 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो 0 मार्क्स हो गया, और 0 मार्क्स यानी कि अब आपका 4 क्वेश्चन ने बराबर कर दिया पूरा कुछ नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि हमने 90-95 किया है और 90-95 में आपको लग रहा है 15 से ऊपर गलत हो रहा है, तो अभी नहीं होना है ना। 95 में 15 गलत होगा तो आपका स्कोर 15 घटेगा, 80 पहुंचा और 5 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग वाले कटेंगे तो आप 75 पे आ गए, तो आप बॉर्डर लाइन पे आ गए, तो 95 से काम नहीं बना, तो आप 10 क्वेश्चन की रिस्क लेंगे। उस 10 क्वेश्चन में हो सकते हैं आपके 3-4 क्वेश्चन सही हो जाए, तो 95 अटेम्प्ट किए थे तो आप देख लीजिए तो 105 कर दीजिए। अगर आप फेल होने की कगार पे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको पास करा सकती है ना। और मेरा कहना होता है कि मरना है तो खाके मरना है, जीना है तो खाके जीना है, क्योंकि आप ना भी करके आएंगे, आपके अगर 95 में 20 गलत हो गए तब भी आप फेल हो रहे हैं, तो 105 में अगर गलत होके फेल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा होंगे नहीं, मुझे यकीन है आप लोगों ने पढ़ा है तो आप पास ही होंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, असलियत है ना। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो रोग मरीज अगर छुपा ले, आप भी जाएं अगर छुपा लें, तो इलाज कैसे संभव हो पाएगा। तो यहाँ पे तो आपकी सारी पोल पट्टी खोली जाएगी ना कि ऐसा ऐसा होता है एग्जामिनेशन हाल में। तो अगर 100 तक आपने कर लिया है तब तो आप रुक जाइए, कहिए ठीक मेरा काम हो गया, 97-98 में मेरे 15 गलत हैं तब भी मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, अब करूँगा तो रिस्क हो जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा पेपर पे, 5% ये स्ट्रेटजी इधर उधर जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, मैं इतना समझता हूँ, लेकिन अगर लग रहा है कि इसमें से 15-20 गलत हो रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन पर रिस्क लीजिए। करने वाले 120 में 120 भी करके आएंगे, और ज़्यादा करने की स्ट्रेटजी बहुत ख़राब कभी नहीं होती। 1/3 नेगेटिव मार्किंग तक, जहाँ पे हाफ नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, 2/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आप 105-110 तक टच करके आराम से आइए, 112 करिए कोई दिक्कत नहीं है, 115 भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना आप कंफर्ट फील कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। 100 से ऊपर तो करना ही होगा, है ना। मरना है तो खाके मरना है, जीना है तो खाके जीना है ना। परहेज करके, वहाँ परहेज करने का कोई मतलब नहीं है, जो आपको करना था आपने कर लिया है, इतने दिन प्रैक्टिस की है, और जिन लोगों ने टेस्ट वगैरह दिए हैं, प्रैक्टिस सेट लगाया है, थोड़ा बहुत एफर्ट किया है, फैक्ट्स वगैरह देख लिए हैं, करंट वगैरह की 100-200-300 क्वेश्चन देख लिए हैं, पेपर वो आए ना आए वो इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे कि हम क्या बताएं। पेपर आउट करने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है, पढ़ाई की जाती है पेपर को अच्छा करने के लिए, आपका पेपर अच्छा होगा आपने प्रैक्टिस अगर की है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप टाइम से पहुंचिए, एक घंटे पहले कोशिश करिए कि 45 मिनट पहले पहुंच जाइए, लिखा हुआ है कि इसमें एक घंटे पूर्व प्रवेश दे दिया जाएगा, बाकी 15 मिनट बाद तक प्रवेश है। अगर आपको बाय द वे किसी कारण से लेट होता है तो आपको अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो आप बताइए कि इसमें लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात विलंबतम 15 मिनट तक प्रवेश दिया जाएगा, तो 15 मिनट तक आप जिद करके जा सकते हैं, ऐसा इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है।
पानी की बोतल, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें आप साथ में लेके जाइए। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, सैनिटाइजर की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये सब साथ में लेके चले जाइएगा। मास्क ज़रूर लगा के जाइएगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए और एग्जामिनेशन सेंटर में कोई आपको कुछ ना कहे इसके लिए भी ज़रूरी है, दूसरों की सेफ्टी के लिए, आपकी भी सेफ्टी के लिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो दिव्यांगजन हैं उन पे 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता जिनमें है, वो श्रुत लेखक अपने साथ ला सकते हैं और उनको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, ऐसा भी इसमें लिखा है। एडमिट कार्ड का जो आपका पीछे का हिस्सा है उसमें ये नोट सीट दी हुई है, अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनको आप पढ़ लीजिए और बाकी चीज़ें ये लेके जाइएगा। इतना करके आइए, फिर हम लोग आइए तो मेंस की तैयारी करते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया से। और आप सबकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ाई जो की है उस पर आप विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए कठिन होगा, और जो सरल आएगा उसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि वो सबके लिए सरल होगा। तो जीता वही जो डरा नहीं, और डर में क्या करना है, सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, और जीता वही जो डरा नहीं, तो इसमें यह भी करना है कि कुछ कठिन क्वेश्चन भी करके आना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम डर नहीं रहे, बिल्कुल ताने सीना हम एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे ये सीना तान के एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा, आप सीमा पे लड़ने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो डरना मना है, क्वेश्चन करना है अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई अगर आपकी इंक्वायरी है, किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर व्हाट्सएप करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट करके आप इसमें पूछ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से आपके सामने आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे से पेपर दे के आइए, और अगले पड़ाव के लिए फिर हम साथ में तैयारी करेंगे।